तीन दिन तक खिंचा आईपीएल 16 का फाइनल में आखिरी गेंद तक रोमांच रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे गुजरात के रविंद्र जडेजा को टाइटंस के होम ग्राउंड पर आखिरी दो गेंदों पर 10 रन बनाए थे। पूरे सीजन और इस मैच में भी उम्दा गेंदबाजी कर चुके मोहित शर्मा अटैक पर थे। जडेजा ने ओवर की पांचवी गेंद पर सीधा सिक्स जड़ा तो अगली गेंद को फाइनल ले की तरफ चौके के लिए भेजकर चेन्नई को पांचवा खिताब दिला दिया। जीत के बाद स्टेडियम से दो तस्वीरें जो वायरल हुई है उस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहली तस्वीर है महेंद्र सिंह धोनी की, जो आंख बंद किए हुए बैठे थे और इमोशनल पल था, संन्यास लेने पर लोग बातचीत कर रहे थे। दूसरी तस्वीर है स्टेडियम में मौजूद रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिबाबा की, आंखें भरी थी। उन्होंने जडेजा को जैसे ही देखा कि मैच जीता तो स्टेडियम में जाकर गले लगा लिया। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई को बारिश की वजह से डटवर्थ लुइस नियम से लक्ष्य दिया गया था। चेन्नई ने 5 विकेट रहते हुए मैच जीत लिया। टीम को जडेजा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दिला दी। उन्होंने मोहित शर्मा के ओवर में चौके के साथ एक छक्का भी जड़ा था। इस जीत के साथ ही वे दौड़ते हुए धोनी के पास पहुंचे। धोनी ने उन्हें गोद में उठा लिया और चेन्नई की जीत के बाद धोनी जडेजा के साथ साथ बाकी खिलाड़ी भी जश्न के माहौल में खो गए। बारिश ने मैच में खलल भी डाला, मैच रुका भी। मैदान सुखाने और खेल दोबारा शुरू करने में इतना वक्त लग गया कि रात 12 बजे के बाद अगले दिन यानी 30 मई का समय हो चुका था और मैच शुरू होने वाले। रविंद्र जडेजा की अगर बात करते हैं तो उनके पत्नी रबावा जडेजा भी मैच के दौरान कुछ ज्यादा ही खास इमोशनल अंदाज में नजर आई। जब ओवर की शुरुआत हुई तब चेन्नई को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। शुरुआती 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बने थे। 2 गेंदों में 10 रन असंभव तो नहीं था, लेकिन मोहित शर्मा की फॉर्म को देखकर मामला फंसा नजर आ रहा था। जडेजा ने सिर्फ 10 रन नहीं बनाए बल्कि मैदान पर मौजूद चेन्नई के हजारों फैंस का दिल टूटने से बचा लिया। लगातार दूसरी बारिश ने मैच में बाधा डाली। चेन्नई की इनिंग्स की तीसरी गेंद पर गायकवाड के चौके लगाते ही झमाझम बरसात शुरू हो गई। बारिश रुकी तो आउटफील्ड को दुरुस्त करने में काफी समय निकल गया। खेल करीब 2 घंटे 20 मिनट बाद शुरू हो सका, लेकिन जीत के बाद ही रिबाबा जडेजा से रविंद्र जडेजा गले लग गए। पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली रिबाबा जडेजा अब एक पॉलिटिकल फिगर है। ऐसे में पहले की तरह अन्य क्रिकेटर्स की वाइफ के जैसे वो आईपीएल के दौरान टीम के साथ नहीं रहती, पत्नी से इतने लंबे वक्त बाद मुलाकात को रविंद्र जडेजा ने चैंपियनशिप जीतकर और भी खास बना दिया। अब 5वीं बार चैंपियन बनी सीएसके की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल के ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बनने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने मैच में बल्ले से तो कोई कारनामा नहीं किया, लेकिन जिस एक गेंद का उन्होंने सामना किया उस पर भी वो आउट हो गए। लेकिन विकेट के पीछे उनकी तेजी फाइनल मैच में भी देखी गई। अब गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा 10 रन प्रति ओवर की गति से रन जोड़ रहे थे, तब 6 ओवर में 62 रन स्कोर बोर्ड पर सज चुके थे। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल का 2 बार कैच छूट गया था। रविंद्र जडेजा अपनी पहला ओवर डाल रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गेंद मारने से चुके तो पीछे धोनी के ग्लव्स में गई गेंद। माही ने बिजली की तेजी से शुभमन के स्टंप बिखेर दिए। धोनी ने शुभमन गिल को 1 सेकंड से भी कम समय में स्टंप आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 में धमाल मचा दिया। गुजरात ने 20 ओवर में 214 रन बनाए। चेन्नई टीम 215 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी थी और पहले ही ओवर में बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। इसके बाद मुकाबला जब शुरू हुआ तो मैच 15 ओवर का हो चुका था। साथ ही डटवर्थ लुइस नियम के तहत चेन्नई को 171 रनों का टारगेट मिला, जिसके जवाब में चेन्नई टीम्स ने 5 विकेट गंवाकर मैच और खिताब अपने नाम कर लिया। आप देखते रहिए न्यूज़।